का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। अन्य सभापति महोदय, आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, क्या आप इस उच्च सदन के सभापति के रूप में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमें याद दिलाया कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। मुझे याद आ रहा था एक अंग्रेजी फिल्म स्टार वॉर्स, जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हुआ था, मे द फोर्स बी विद यू। आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। कुछ मान्य सदस्यों ने आपको चक्कर में ना आने की भी सलाह दी। अभी अभी एक युवा सदस्य ने कहा आपकी जिम्मेदारियों के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है कि सदन अच्छा बने, अच्छी तरीके से चले। आपकी जिम्मेदारी तो हम सबका ख्याल रखने की है। सदन अच्छा चलना तो हम सबके हाथ में, और मेरा विश्वास है आज जो अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, जिस प्रकार से उत्साह के साथ सबने आपका स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में हम यही भावना हमारे कार्यकाल में भी रखें, काम में भी रखेंगे। और क्लियरली आपके साथ लगभग सभी सदस्यों का मिलना जुलना हो चुका है, एक ना एक मौके पे हम सब आपको मिल चुके हैं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इट्स अ जॉय टू बी विद यू, टू मीट यू, टू एक्सचेंज नोट्स विद यू, टू टॉक टू यू। अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए हैं या सिटी ऑफ जॉय से, जहां से आप बहुत ही सफल अपना गवर्नर का कार्यकाल कर दिल्ली आए। पर वास्तविकता यह है कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल ओकेजंस हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इस सदन की काम की महत्वता देखते हुए हम सब कोशिश करेंगे कि किसान पुत्र जो आज देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो एक प्रकार से हम सब के लिए प्रेरणा का स्तोत्र भी है, जिस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करके आज इस उच्च पद तक की जर्नी ट्रेवर्स की है, मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने कार्य में भी, अपने काम में भी उसकी झलक आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से आपने एक बहुत वरिष्ठ वकील के रूप में देश की सेवा की, न्यायालय की सेवा की, शायद यू मस्ट हैव बीन द यंगेस्ट टू बिकम अ सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट विद इन 11 इयर्स ऑफ योर प्रैक्टिस। मैं समझता हूँ शायद उस समय जजेस ने भी कुछ स्पार्क देखी होगी, कुछ ऐसा अलग देखा होगा, जिसके कारण आपको ये बहुत बड़ा एक प्रकार से स्थान मिला और बहुत बड़ी सर्टिफिकेट उच्च न्यायालय से आपको दी गई। एक नई परंपरा जो अब इस देश में स्थापित हो रही है, बड़े सामान्य घर से सामान्य जीवन बिताने वाले सामान्य साधारण परिवार के राजनीतिक नेता या समाज के नेता आज बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक टीचर थे, छोटे से स्कूल में टीचर के पद से ओडिशा के वनवासी क्षेत्र से आकर आज वो इस देश के सर्वप्रथम पद पर है। आप एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, जिन्होंने एक छोटे से गांव में, आज बताया गया, सैनिक स्कूल से शिक्षा लेके 12 किलोमीटर दूर रोज चल के जाना, शायद ये भी एक कारण है कि आप इतने फिट हैं आज भी,
और आज इतने उच्च पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी एक चाय वाले के घर पे पैदा होकर रेलवे स्टेशन पर चाय अपने बचपन में बेचकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पूरा जीवन और आज 5 दशक से अधिक देश की सेवा में समाज की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है, मैं समझता हूँ उसका एक प्रतीक आप भी हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। जैसे कहा जाता है और अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ फोर्स, अ पावर, और वो पावर आपके घर में हमने देखा। हम सबका मैं समझता हूँ ये अनुभव रहा कि जिस प्रकार से आपने सम्मान दिया परिवार के अंदर भाभी को, जिस प्रकार से आपने हम सब के बीच नारी शक्ति की बात कही, तो मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने विचार रखते हुए उद्बोधन में ये बात रखी थी कि देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो नारी शक्ति को हमने और सशक्त बनाना होगा। और मैं समझता हूँ बहन रजनी जी ने ठीक कहा कि उसका भी एक अच्छा उदाहरण हमें आपके घर पे देखने को मिला। ऊर्जावान व्यक्तित्व, सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे। एक प्रकार से कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही थी, हमने आपका स्कॉलरली और रीजन्ड अप्रोच कल देखने का एक पहला मौका पहली बीएससी में हमें मिला। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि आपके कमेंट से कि स्टैटिस्टिक्स नहीं डिटरमिन करती है कि विषय को आगे कैसे लेके जाना है, स्टैटिस्टिक्स पे नहीं निर्भर होगा कि कोई बिल स्टैंडिंग कमिटी में जाए या सिलेक्ट कमिटी में जाए, स्टैटिस्टिक्स हैव देयर ओन प्लेस पर सब्सटेंस विल मैटर। सब्सटेंस के ऊपर तय करना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। समय भी बहुत जरूरी होता है, समय वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो और आखिर कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई कार्य हम सबके समक्ष जब रहता है हाउस में तो जरूर कोई ना कोई उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी समय की इम्पोर्टेंस है और कई विषय ऐसे हैं जिसमें आम सहमति बन सकती है, आम सहमति से कार्य आगे तेज गति से बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमें इस अमृत काल में इस देश को विकसित बनाना है, और जिसमें मैं समझता हूं देश का हर सदस्य एकजुट है, एक मत का है, तो स्वाभाविक रूप से समय की भी अपनी अहमियत है और जो निर्णय देश हित में है, जनहित में है, वो त्वरित लेने का भी एक बहुत बड़ा मैसेज देश को जाता है, समाज को जाता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका एक और विषय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से हम सबका मान रखा और इस उच्च सदन का, वास्तव में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मान रखा, जब आपने एक विषय जो कई वर्षों से सबको पीड़ा दे रहा था कि क्या पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून और ऐसा कानून जिसमें सर्वसम्मति थी, लोकसभा में सर्वसम्मति, राज्यसभा में एक एब्सटेंशन छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दलों की और सभी बाकी सदस्यों की, जब सर्वसम्मति से कानून पारित होता है
तो उसकी एक अहमियत है। और जो आपने वी द पीपल का उद्बोधन दिया, जिस प्रकार से आपने द विल ऑफ द पीपल के बारे में अपने एक रिसेंट भाषण में बात रखी, मैं समझता हूं इस सदन के हर सदस्य के और हर सदस्य के आत्मसम्मान की आपने उस दिन चिंता की, आपने इंश्योर किया कि हमारा भी एक प्रकार से हौसला बने कि हम आगे चल के भी कानून देशित और जनहित के बनाते रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके जो दो ओवरसीज विजिट्स रहे वो भी वास्तव में हम सबको बहुत गौरवान्वित करते हैं। आपको देखते हुए वहाँ पे बड़े बड़े विश्व नेताओं के साथ चर्चा करते हुए, और बाद में मुझे जानकारी मिली आपने किस बहुत तीव्रता से जो देश ने कोविड की महामारी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से जो कल ही उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में भी जिस बात का उल्लेख किया गया, जिस बात की तारीफ की गई कि कैसे पूरे देश ने मिलके, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब ने मिलके कोविड महामारी के सामने लड़ाई लड़ी, कैसे केंद्र सरकार ने भुखमरी नहीं होने दी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के कोने कोने तक 80 करोड़ से अधिक भारतवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का जो काम किया, उसकी कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी विस्तार से तारीफ हुई है। आपने ये बात जब विश्व नेताओं के सामने और विश्व के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नेताओं के सामने जब आपने रखी और आपने बताया कि उन्होंने सबने तारीफ की भारत की, तो मैं समझता हूँ हर मेंबर का, हर सदस्य का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि हम सबका भी उसमें एक छोटा योगदान है। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं व्हेन ग्रेट पीपल सेट द डायरेक्शन अदर्स फॉलो देम। अंडर योर लीडरशिप वी विल वर्क विद द हाई आइडियल्स, हाई प्रिंसिपल्स विद विच यू विल सेट द डायरेक्शन, एंड आई एम श्योर द वर्क ऑफ द राज्यसभा, द वर्क दैट वी डू इन दिस अपर हाउस, द हाउस ऑफ एल्डर्स, द हाउस ऑफ स्टेट्स will also resonate in the other houses, in the other assemblies across the country. I am sure the way we are all working for a developed India, we are all working to take prosperity to the last man at the bottom of the corridor, the last man at the bottom of the pyramid, jo gareeb se gareeb vyakti ke liye antyodaya ki bhavna se aaj hum sab kaam kar rahe hain ki desh mein koi vanchit na rahe, koi shoshit na rahe, कोई पीड़ित ना रहे, समाज के हर वर्ग का बिना भेदभाव से उत्थान हो। उस काम में पूरा देश आज देश में भी और दुनिया में भी अपना वर्चस्व बना रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा भी कर रही है, भारत की ओर देख रही है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए। आज पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे 140 करोड़ लोगों में जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उससे पूरा विश्व आकर्षित भी होता है और उनको उम्मीद भी भारत के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसे में मैं समझता हूं इस सदन की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी। आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी बुद्धिमत्ता से हम पूरे देश को ऐसा संदेश देंगे कि हम एक अच्छा सदन, अच्छी तरीके से चलेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा, और जो देश के करोड़ों लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में हम सब अपना दायित्व निभाएंगे। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन के हर सदस्य के बिहाफ पे कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का जरूर निर्वहन करेंगे और इस सदन की कार्रवाई को अच्छी तरीके से चलाएंगे। आपका पुनः इस आसीन पर पद ग्रहण करने पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।